नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिज्नीलैंड सीरीज़ के फाइनल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं डिज्नीलैंड का एक बहुत ही खास कैसल जो है क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो ये डिज्नी की 1951 में एक एनिमेटेड मूवी आई थी एलिस इन वंडरलैंड, उसी से इंस्पायर्ड है। ये एक टावर है जहाँ टॉप में पहुँच के आप फैंटेसी लैंड और डिज्नीलैंड के जो बाकी एरियाज़ हैं उसका एक शानदार व्यू ले सकते हैं। लेकिन इस टावर तक पहुँचने के लिए ना आपको एक भूल भुलैया वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, तो अपने आप में काफ़ी फनी सा एक्सपीरियंस है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये देखो, ये पीटर पैन्स फ्लाइट ना, तो यहाँ से जो है एंट्री है उसकी, और लाइन जो है इसमें तो बहुत ही ज्यादा लंबी है। चलो, यहाँ पे मीट मिक्की माउस है, तो मिक्की माउस से मिल के आते हैं। मिक्की माउस तो आज क्लोज्ड है, तो उसमें तो हम नहीं जा सकते। आप दूसरी जगह चलते हैं। तो यहाँ अब हम करने वाले हैं एंटर। इधर कहाँ जा रहे हो आप? This way or that? भूल भुलैया टाइप रास्ता बनाया हुआ है, this way, that way। कभी कभी तो गोल गोल घूम के उसी जगह पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो खिंचाने जाने वाली है। हो गई आपकी फोटो क्लिक। अब करते हैं क्वीन ऑफ हार्ट्स के अंदर एंट्री। अभी हम इधर आए ना शॉर्टकट के चक्कर से, तो यहाँ रास्ता ही बंद था, तो ऐसे ही इसमें पहुँचने के लिए तो इन्होंने इतना गोल गोल घुमा दिया ना। होपफुली अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, बट यार गोल गोल घूमते घूमते थक गए, लेकिन आ नहीं रहे। कहाँ से जाना है ऊपर? है मिशी, थके नहीं आप? क्या लग रहा? भूल भुलैया में फंस चुके हैं। हाँ, फाइनली अब पहुँचे हम यहाँ पे। बहुत आफत आ गई यार, भूल भुलैया में फंस गए। अब लिया हमने इसके अंदर ना एंट्री, अब जाते हैं। तो यहाँ से जाना है। आराम संभल के चलना बेटा। तो वापस नीचे आ गए, अब चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर होगी ट्रेन राइड, तो चलो लाइन में लग जाते हैं। वेदा काई को समझ रही लॉलीपॉप, इसको वेदा लॉलीपॉप समझ रही है। ये देखो वेदा, ये लॉलीपॉप है। राइड शुरू होने वाली है। हैलोवीन फेस्टिवल आने वाला है, देखो तो पम्पकिन बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं हर जगह ना। यहाँ पे पम्पकिन वाली थीम में बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये था फ्रंटियर लैंड जिसके अंदर हम अभी आए हैं। तो ये थी हमारी डिज्नीलैंड की सीरीज जिसमें हमने बहुत सारी वीडियो बनाई और बहुत सारे ब्लॉग बनाए। अब तो पूरी तरह थक गए हैं और हाथ पैर बैठ गए हैं। अब 8 बजे बंद होने वाला है आज। मिशू भी थक चुकी है, ये अपना चिप्स खा रही है और वेदा भी सो रही है। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा तुम्हारा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं चाहता था कि यार ऐसी लाइफ आना चाहोगे, मतलब बच्चों को अपना दिखाना चाहता था मैं। बच्चों ने देख लिया तो हम अपनी लाइफ में खुश हैं। अब चलते हैं ट्रेन की तरफ, चल रहे हैं ट्रेन की तरफ, और फिर उसके बाद कल भी कहीं घूमेंगे। कल हमारा लास्ट डे है पेरिस में, और कल शाम हम निकलेंगे अपने जर्मनी के लिए, स्टुटगार्ट के लिए। तो फिर जहाँ जहाँ भी जाएंगे नए ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये है एग्जिट स्टेशन। बाय बाय।